तो इमिग्रेशन ने तो मुझे एंट्री नहीं दी। ये डिटेंशन रूम है भाई, आज रात मेरे को यहीं पर गुजारना पड़ेगा। पता नहीं यार इंडियन पासपोर्ट के अगेंस्ट इतना रेसिज्म क्यों। यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं यार ब्लैंकेट ब्लैंकेट दो, बट कुछ भी नहीं दे रहे यार हमको, कसम से पूरा कैदियों वाला ट्रीटमेंट दे रहे, बहुत गंदा। So welcome back guys, welcome back to the channel once again, Travel Simran, I'm recording live from Mexico, Mexico City, भाई आज मेरा आखिरी दिन है राजधानी में। कल ही मेरी फ्लाइट थी पोर्टो एस्कोंडिडो जो साउथ में आता है भाई, आप लोगों ने पिछली वाली वीडियोस में देखा होगा कि मैं वहाँ पर चिल कर रहा था बीच के ऊपर, सर्फिंग वर्फिंग की मस्त जगह थी भाई। कुछ दिन मैं ज़्यादा ही रुक गया वहाँ पर, मज़ा आ गया, और बहुत तेज़ गर्मी थी तो भाई थोड़ा सांवला लग रहा हूँ मैं टैनिंग से, धूप से। पर अभी मैं जाने लग रहा हूँ एयरपोर्ट पर, यहाँ से मेरे हॉस्टल से कुछ 20-25 ही मिनट दूर है एयरपोर्ट। और व्हाट्स योर नेम ब्रो? एरिक। एरिक, तो ये एरिक भाई है, इनकी टैक्सी में मैं बैठा हूँ, जा रहा हूँ अभी एयरपोर्ट। 20 minutes, right? 20 minutes. Yeah, 20 minutes. Amigo, you're from Mexico City. I'm from Mexico. एरिक भाई का एक्सेंट मुझे थोड़ा सा अमेरिकन लगा, मैंने पूछा भाई आपका एक्सेंट अमेरिकन कैसे है? सो बट आई डोंट नो हाउ, बट हाउ इज योर एक्सेंट वेरी अमेरिकन? That is good. I be there like work. Okay. How many years you live? I live in there like 18 years. 18 years. 18 okay. years. And then you come back to Mexico. I come back to Mexico. And how did you go? Probably like next year, because I come to see my family. Okay. Because I no see in 18 years. Oh damn man. भाई को पक्का उधर होना था, तो 18 years you didn't come back to America. Never. Mexico. Yeah, never. Very long time man. Very long time. तो भाई ऐसा होता है अगर आप दो नंबरी तरीके से जाओगे किसी कंट्री में, तो जब तक आप पक्के नहीं हो जाते आप घर नहीं आ सकते। भाई तो मैक्सिको था बगल वाली कंट्री यार, ऐसे समझ लो इंडिया नेपाल आप कैसे जा सकते हो, यूएस मैक्सिको आप वैसे बॉर्डर पार करके गाड़ी से आ सकते हो या वॉकिंग आ सकते हो जैसे भी, मगर भाई 18 साल बंदा घर नहीं आया, बड़ा बड़ा नेक्स्ट लेवल सीन है यार। ये है भाई मैक्सिको शहर का आखिरी नज़ारा। और अभी मैं एक नई कंट्री जा रहा हूँ, वो आपको मैं एयरपोर्ट जाकर ही बता रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। भाई अभी इधर मैं बैठा था कुर्सी पर वेट कर रहा था, और ये देख रहा है भाई इधर कांच वाँच पड़ी है, ये ट्यूबलाइट है भाई, पता नहीं ऊपर इनकी लाइटिंग वाइटिंग कुछ है, और सीधा धप कन के नीचे गिरी भाई, सब लोगों के कान खड़े हो गए, एकदम खतरनाक वाला सीन था भाई। कसम से मैं बच गया यार, दो फीट की डिस्टेंस से बच गया, नहीं तो सर्वर फूट जाता मेरा। और ऊपर से मेरे पास मेक्सिको में भाई मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस भी नहीं करा के रखा था, लक है भाई, गुड लक। ओके कंटिन्यू, इनको बोला था रुको मैं एक मिनट एक सीन ले लेता हूँ, फिर आपकी मीटिंग करना पड़ता है यार कभी कभी ब्लॉगिंग के लिए। ये रहा भाई मेक्सिको का एयरपोर्ट, और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, और मेरी फ्लाइट थी 1 बजे की। भाई पूरी स्टोरी समझाता हूँ क्या हुआ, मुझे क्यों फ्लाइट में बोर्ड करने नहीं दिया, बहुत झगड़ा हुआ, तगड़ा वाला सीन हो गया था, मगर सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है भाई, बहुत भूख लगी है, और मैं बात करके और एयरलाइन वालों से दिमाग लगा के थक गया। तो भाई बहुत भूख लगी है, अब मेरे में ज़्यादा ताकत नहीं बची है, तो पहले कुछ खाऊँगा भाई मैं, और खाना खा के पूरी आपको स्टोरी समझाऊंगा मेरे साथ क्या हुआ, मुझे बोर्डिंग क्यों नहीं करने दी, पूरा मैंने दिमाग लगाया और फिर मैं फ़्लाइट ढूंढते रहा, और अब फाइनली मैं किधर जा रहा हूँ। तो भाई ये रहा ड्यूटी फ्री वाला एरिया, यहाँ पर मैं एक कोई अच्छी सी सीट, थोड़ा प्राइवेसी में एक डिसेंट सा एयरपोर्ट लग रहा है भाई, इतना भी कुछ ऐसा बड़ा नहीं है, बट चलो ठीक है। भाई तो बढ़िया सा स्पॉट मैंने पकड़ लिया, फिर भी थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट पीछे जा रही है, लोग आ रहे जा रहे होंगे, इग्नोर करना, मैं भी ट्राई करूंगा भाई इग्नोर करना, क्योंकि कोई भी कैमरा में आ जाता है हाय हेलो बोल देता है, अभी मेरा भी ध्यान उधर चला जाता है, मैं उनसे बात करने लग जाता हूँ। बट भाई स्टोरी सुनो, मैंने टिकट बुक कराई थी भाई मेक्सिको सिटी से पेरू जो कंट्री है भाई, साउथ अमेरिका में आती है, अमेरिका पता है 3 हिस्सों में बटा है, नॉर्थ अमेरिका,
जो अपना नॉर्थ अमेरिका कनाडा और मेक्सिको आता है, सेंट्रल में ये सब पनामा एल सल्वाडोर गोतेमाला ये सब कंट्रीज, और साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में आता है पेरू बोलीविया ब्राज़ील वगैरह ये सब कंट्रीज। तो मैंने वेबसाइट पर चेक किया था और मैं एम्बेसी भी गया था पेरू की जो कि मेक्सिको में है, और उनसे मैंने पूछा था कि मेरे पास मल्टीपल एंट्री 6 महीने टोटल वैलिडिटी का यूके वाला वीज़ा है, क्या मैं पेरू ट्रैवल कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप निश्चिंत होइए, आप बिंदास पेरू ट्रैवल कर सकते, कोई बात नहीं। और जब मैं यहाँ पर आया भाई मेरी, और मैं बोर्डिंग करने लगा, मैंने टिकट्स वगैरह मांगा लोगों से, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा रूल है कि आपका वीज़ा ऑन एंट्री 6 महीना वैलिड चाहिए, और मेरा वीज़ा सिर्फ 4 महीने वैलिड था। पता नहीं यार, अजीब सा रूल है। मैंने उनसे कहा भी कि मैं 1 महीने से ज़्यादा रुकने वाला हूँ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 हफ्ते रुकूँगा, उससे ज़्यादा नहीं रुकूँगा। और जब मेरा यूके वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उससे कई महीने पहले मैं वहाँ से एग्ज़िट कर रहा हूँ, तो कोई सेंस ही नहीं बनता यार इस बात का। बट वो बोले सर हम नहीं कर सकते, ये ऑफिशियल ये, उन्होंने मुझे दिखा दिया। मेरी काफ़ी बहस हुई, बहस मतलब मैंने पोलाइटली बात करने की कोशिश की उनसे कि कुछ अल्टरनेटिव वे हो सकता है या नहीं। और मेरी फ़्लाइट फिर वाया पनामा थी, और पनामा के लिए भी फिर सेम रूल अप्लाई होता है, आप यूके वीज़ा पर जा सकते हो, बट फिर भी वो उन्होंने कहा कि वो भी 6 महीना वैलिड चाहिए आपका वीज़ा ऑन एंट्री। तो भाई मेरा वीज़ा ही टोटली 6 महीने का था, 2 महीने ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो पता नहीं यार ये लोग अलग अलग ऐसे रूल्स बनाते रहते हैं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। अब मैं बोला रिफंड किया है, तो मैंने उनको कहा कि मुझे एक प्रूफ दो कि मेरी बोर्डिंग डिनाई वगैरह हो गई थी और मैं यहाँ एयरपोर्ट पर आया था। और सबसे भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया कि आज मेरा मेक्सिको का आखिरी दिन है, तो मुझे जो भी फ़्लाइट बुक करनी थी वो आज ही करनी थी भाई, कुछ ही घंटों के दौरान, नहीं तो मुझे वापस फ़ाइन पड़ता। एक तो गलत कुछ ठप्पा वप्पा लग जाता, या एक उनके रिकॉर्ड में गलत आ जाता कि भाई ये बंदे ने ओवरस्टे किया था, आगे भी बहुत प्रॉब्लम आ सकती। और भाई ऑलरेडी अपने इंडियन पासपोर्ट्स का नाम इतना ख़राब है, हर कंट्री में जाओ, हर मतलब जो भी अच्छी खासी कंट्री है, यूरोप वगैरह हो गया, अमेरिकाज या जो लैटिन अमेरिका, यहाँ पर रिकॉर्ड है इंडियन लोगों का एंट्री की फिर एग्ज़िट की नहीं, ओवरस्टे कर गए रह गए, या वहाँ से 2 नंबरी होके किसी और कंट्री में चले गए, तो वो लोग हर इंडियन को शक की निगाहों से ही देखते हैं। ऐसा कुछ टिकट उन लोगों ने दे दिया, बट उन लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया नॉट वैलिड फॉर ट्रैवल, और उसके ऊपर कुछ वीज़ा का लिख दिया, स्पेनिश में कुछ लिखा है, तो समझाने के लिए ईजी था। तो भाई मैं फिगर आउट कर रहा था कि कौन सी फ़्लाइट लूँ आज रात 12 बजे से पहले, कि मेरा वीज़ा का रूल भी मैं तोड़ू ना, और जो इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री भी हो। तो 2 ऑप्शन थे भाई, एक था बोलीविया और दूसरी थी भाई एल सल्वाडोर। तो बोलीविया के लिए भाई मैंने टिकट प्राइस चेक की, बुक करने से बस 3 या 4 घंटे बाद की फ़्लाइट थी भाई, और यूजुअली वो आनी चाहिए थी 20-30 हज़ार की, मगर इतना जल्दी मैं बुक करा रहा था तो लगभग मेरे को 1,20,000 की फ़्लाइट पड़ती थी। और अब मैं क्या कोई भाई इतना भी बड़ा यूट्यूबर हूँ नहीं कि मिलियंस व्यूज़ कमा रहा है, जो भी है आप लोग देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, बट और भी सपोर्ट करो ताकि महंगी ऐसी फ़्लाइट लेने से पहले 2 बार ना सोचना पड़े। तो मैंने कहा यार बोलीविया का प्लान ड्रॉप कर देते, तो मैं जा रहा हूँ एल सल्वाडोर, सस्ती टिकट पड़ी, इतनी भी नहीं 18,000 की टिकट पड़ी है, और इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री भी है ऐसा सुनने में आया था। तो एवियन का एयरलाइंस है तो उनके थ्रू मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, बट टिकट बुक कराने से पहले भी मैंने एयरलाइन के काउंटर पर गया, वहाँ पर जो सुपरवाइज़र थे उनसे मैंने बात की कि भाई क्या सीन है, मतलब इंडियंस के लिए एंट्री का कोई वीज़ा तो नहीं लगता है, क्योंकि 10 बार चेक करना पड़ता है यार। ऑनलाइन आप देखते हो कुछ और होता है, जब आप बोर्डिंग करने जाते हो वो लोग कुछ और ही बता देते हैं, और फिर बोर्डिंग डिनाई हो जाती है, पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो, शायद कुछ $20 या $22 आपको पे करने पड़ेंगे वहाँ पर, और रिटर्न फ्लाइट टिकट ज़रूर दिखाना वहाँ पर भी और यहाँ पर भी, उसके बिना हम आपको बोर्डिंग करने नहीं देंगे। तो भाई मैंने अपनी वो डमी टिकट करा ली, उनको बोला 1 महीना मैं वहाँ पर रहूँगा, इन्जॉय करूँगा, और फिर बाद में वापस दूसरी कोई थर्ड कंट्री चला जाऊँगा। तो उनको यकीन दिला, फाइनली अभी बैग वैग डाल दिया, अभी वेट कर रहा हूँ भाई, ये गेट नंबर 33 या 32 किन्हीं एक में से मेरी फ़्लाइट डिपार्चर होगी,
तो वेट कर रहा हूँ और दुख हो रहा है भाई, पैसा गया वो फ्लाइट का, बट पार्ट है भाई ट्रैवलिंग। भाई अभी कुछ ही देर में हमारी फ़्लाइट निकलेगी, वेट कर रहा हूँ मैं। चलो भाई फ़्लाइट तो ठीक ठाक सी लग रही है मुझे भाई, अभी कुछ ही देर में फ़्लाइट निकल पड़ेगी मेरी, 2 घंटे और 10 मिनट का सफ़र होने वाला है। और साइड में बड़ी ही प्यारी बच्ची है, बट भाई तगड़ी वाली नींद आ रही है क्योंकि बहुत लंबा दिन रहा, सुबह सुबह निकला था मैं जल्दी, हॉस्टल से नींद भी रात को ढंग की हुई नहीं थी, और उसके बाद फिर इतनी सब गड़बड़ हो गई, बोर्डिंग डिनाई कर दी, पूरा पूरा खिचड़ी बन गया। अभी सो कर जाऊँगा, बस एक ही दुआ है भाई, ये जो प्यारी बच्ची है साइड में, ये रोए ना। इंडिया You are from Salvador? Yes. All family? Yes. So you come Mexico to visit? Yes. For tourism? Uh-huh. Where did you go? Cancun? No. Use Mexico City. Only Mexico City? Yes. Porto Escondido? No. Okay. For baby? Yes. Hola. 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 Su atención, hola. Por favor, si a bordo se encuentra Liquinchana Taco, Orellana y Sidra, Ramírez Moisés y Villalta Guillermo, le pedimos... No, bhai, abhi safar jari hoga. देखते हैं वहाँ पर इमिग्रेशन में क्या होता है भाई, बिना वीज़ा एंट्री या शायद $20 एंट्री की फ़ी है, या शायद $20 एंट्री की फ़ी है, या तो मैं ऑनलाइन आर्टिकल भी पढ़ रहा था कि कुछ $1200 कुछ चार्ज करते हैं, पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। चलो भाई एयरपोर्ट पर तो मैं पहुंच गया सैन सलवादोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इमिग्रेशन क्लियर करने से पहले भाई मैं फ़र्स्ट टाइम किसी एयरपोर्ट में देख रहा हूँ ड्यूटी फ्री दिखाई दे रहा है, मतलब इनका कहना ऐसा है चलो भाई हम तुमको एंट्री नहीं देंगे, डिपोर्ट होना है हो, एंट्री डिनाई हो हमारे कंट्री में, मगर हाँ भाई हमारे ड्यूटी फ्री से कुछ ना कुछ तो भी खरीदो। चलो मगर ठीक है, नींद वींद तो बड़ी आई, बड़ी प्यारी बच्ची थी यार, बिल्कुल नहीं रही। अभी देखते हैं भाई इमिग्रेशन में क्या होता है, मेरी क्लास लेते हैं नहीं लेते हैं, एंट्री देंगे, क्योंकि हमारे लोगों का ऑलरेडी नाम बहुत ख़राब है, लोग इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है या कुछ पैसे थोड़े देके वीज़ा एंट्री दे देते हैं, और फिर अपने लोग फिर यहीं से चले जाते हैं अमरीका। तो देखते हैं भाई क्या होता है। ओला भाई ये कमरा है, आज रात मैं यहीं पर बिताऊंगा, उधर एक टॉयलेट बाथरूम भी है, उसका भी मैं आपको टूर वापस करा के दूंगा। तो यार अभी सीन मेरे साथ ये हुआ कि रूल्स तो चेंज है, वो बोले इंडियन के लिए वीज़ा फ्री नहीं है एल सल्वाडोर अनलेस आपके पास किसी यूरोपियन कंट्री की रेसिडेंसी हो तो ही आपके लिए वीज़ा फ्री है। वो जो रूल था पहले कि आप आ जाओ $12 या $22 कुछ भी वीज़ा फ़ी पे करो, वो 3 महीने से बंद हो चुका है और वो अपडेट नहीं किया है। तो मैंने अभियंका एयरलाइन से फ़्लाई किया था, उन लोगों ने मुझे कुछ बताया, उन लोगों ने रूल सब चेक किए तो उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं था ऐसा है, बट इमिग्रेशन कुछ अलग कह रहे हैं, एयरलाइंस वाले कुछ अलग कह रहे हैं। भाई मैं बीच में टेनिस का बॉल बन गया था, इधर से इमिग्रेशन वाले पिटाई कर रहे हैं और उधर से एयरलाइन वाले धोरे भाई, क्या क्या ही कर सकते हैं भाई। अब हमारे पासपोर्ट की ये वैल्यू है, इतना तंग करते हैं, क्या क्या ही करें भाई। चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो अभी एयरलाइन वालों ने एक्सेप्ट किया कि ये उनके सुपरवाइज़र की गलती है, उन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए मैं यहाँ पर आया। तो कल सुबह की मेरी वापस फ़्लाइट करा दिए है, तो कल सुबह वापस 8 बजे की मेरी फ़्लाइट करा दी है, पैसे वैसे मैंने दे रहा, एयरलाइन की तरफ से कंपनसेशन है, और आज रात ये लग्जरियस एन सूट दिया है मुझे, और उसके साथ भाई बड़े दिल वाले यार एयरलाइन वाले, तो ये देखो भाई ये वाउचर भी दिया है भाई डिनर का, फिर दूसरा ब्रेकफास्ट का है, तो अभी बाहर जाके थोड़ा वसूल करूँगा, खाना वाना खाऊँगा भाई, और बस फिर यार वापस मेक्सिको ही जाना पड़ेगा मुझे, मेक्सिको और फिर दिन रुकूँगा और फिर उधर ही व्लॉग्स बनाऊँगा और आगे की प्लानिंग करूँगा कि भाई कहाँ जाना है पूरा। तो
अलग एक्सपीरियंस है भाई। आज का दिन नेक्स्ट लेवल खतरनाक वाला रहा भाई, कसम से। सुबह पेरू जाना था, पेरू की बोर्डिंग नहीं होने दी क्योंकि वो 6 महीने का रूल था ऑन एंट्री और मेरा वीज़ा 4 ही महीने का वैलिड था, तो पेरू में नहीं एंट्री दी। फिर मैं दूसरी कौन सी कंट्री, सलवाडोर चेक किया। पहले एयरलाइन वालों से पूछा भी कि भाई मैं जा सकता हूँ, सब रूल्स बताओ। बोले खाली रिटर्न टिकट हमको चाहिए और बुकिंग वगैरह का इंफॉर्मेशन और हम आपको बोर्डिंग करने देंगे। तो मैंने वो सब किया, फ्लाइट भी बुक करी और फिर जैसे बोर्डिंग भी आ गए और अभी इधर बोर्डिंग भी क्लियर हो गई मेरी और एल सलवाडोर भी पहुँच गया मैं। और बट इधर अभी ऐसा सीन हुआ और भाई जिधर मैं वेट कर रहा था उधर ही अपने 9-10 बाद में लोग इंडिया के आ गए। अब मैं बोला भाई यार ये पक्का डोंकी वाले हैं। मैंने जस्ट ऐसे उनसे पूछा कि भाई क्या प्लान है, बोला आगे जाना है भाई, आगे जाना है। बोला यार समझ गया, अब तो कोई चांस नहीं कि मुझे ये लोग इमिग्रेशन करवाएंगे, मुझे तो वापस अभी रिटर्न मेक्सिको भेज देंगे। उन लोगों का पता नहीं भाई अभी जहाँ से आए, इंडिया दुबई कहाँ से आए थे, शायद उनको भी अभी वापस भेज देंगे। पासपोर्ट मेरा ले लिया है और बाहर भी एक भाई है एवियंका एयरलाइंस की तरफ से, वो मेरा वेट कर रहे हैं। शायद उन्हीं के साथ मैं डिनर के लिए जाऊंगा, मुझे बाहर ले जाएंगे और वापस यहां पर छोड़ देंगे। तो अलग एक्सपीरियंस है यार, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा, थोड़ा नहीं बहुत ही पैसा गया, बट एक्सपीरियंस आया और दिख गया भाई कि इंडियन पासपोर्ट की आज के ज़माने में क्या वैल्यू है भाई। हर कंट्री में कैसी ट्रीटमेंट मिलती है, हमारी हरकतों की वजह से हम ही रिस्पॉन्सिबल है। और पता नहीं यार न्यूज़ व्यूज़ में ये आते रहता है, इंडियन पासपोर्ट स्ट्रांग बन गया, इंडियन पासपोर्ट स्ट्रांग बन गया, रैंक बढ़ गई। बट भाई ऐसी ट्रीटमेंट जब एक जेन्युइन ट्रैवलर एक्सपीरियंस करता है, पता नहीं यार। तो भाई अभी मैं निकल गया हूँ कुछ खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि एयरलाइन में मुझे कूपन दिया था खाना खाने का। और ये भाई साहब है मेरे साथ, मेरे रूम के बाहर ही ये बैठे रहेंगे कल सुबह तक जब तक मैं फ्लाइट बोर्ड नहीं करता हूँ। अभी अगर मुझे बाहर जाना होगा रूम के तो खाना वाना खिलाने के लिए मुझे बाहर जाएंगे वहाँ तक और वापस लेकर भी आएंगे। तो आप लोगों को पूरा टूर दिखाता हूँ भाई ये डिटेंशन सेंटर की। ये देखो इधर चेयर वेयर है, बट काश अगर ये बीच वाली ये नहीं होती तो मैं इधर ऐसे ही सो जाता। इधर बोतलें कुछ फेंक रखी है लोगों ने और भी इधर भाई खाना आने के पैकेट पड़े लोगों ने ऐसे ही फेंक रखे, जो भी पहले डिटेंशन मेरे जैसे सिचुएशन में थे। डस्टबिन इधर है फिर भी उधर फेंक रखे, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और आप लोगों को अंदर टॉयलेट बाथरूम का भी एक टूर कराता हूँ भाई, किधर गया भाई। थोड़ा सा ऐसा टॉयलेट बाथरूम है बट मेरे पास तो अभी कुछ भी सामान वगैरह नहीं है। और एक लेडी बैठी है अभी बाहर, सिक्योरिटी चेंज होते रहते हैं, तो कुछ ही देर में यहीं पर मैं सो जाऊंगा अभी यहाँ पर। तो रात के 12 बज गए, मेरे को लगा कि मैं अकेला ही यहाँ पर होगा, दो लोग और मेरे को जुड़ गए। तो नाम यस। तो भाई तीनों अभी हम लोग हैं बैठे, मेरी फ्लाइट है भाई सुबह 8 बजे की मनाना मेक्सिको ऐसा 8 in 10 8 टाइम 8 मनाना 8 o'clock 8 tarde time 8 मनाना फ्लाई मेक्सिको। चलो सही है भाई, बढ़िया कंपनी है, रात को हम साथ में चिल करेंगे भाई तीनों लोग। अमीगो माय हरमानोस, चलो ब्यूनस नोचेस, आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। भाई सुबह के 4 बज रहे और हम तीनों की नींद खुल गई क्योंकि इतनी ठंडी है भाई यहाँ पर। हम लोग बोल रहे हैं यार ब्लैंकेट वैंकेट दो, बट कुछ भी नहीं दे रहे यार हमको, कसम से पूरा कैदियों वाला ट्रीटमेंट दे रहे, बहुत गंदा वाला। मुचो फ्रियो सी दू मुचो फ्रियो इक्वाडोर इक्वाडोर भाई ठंडी यार, ठंडी के मारे नींद भी नहीं आ रही यार ढंग की, बहुत गंदी सिचुएशन हो रखी है भाई। अभी मेरी बोर्डिंग हो रही है, वापस मेरे को मेक्सिको भेज रहे
पूरा स्टाफ मेरे साथ आ रखा है। पासपोर्ट अभी मेरा इन लोगों ने ले रखा है, मेरा पासपोर्ट शायद सीधा मेक्सिको इमिग्रेशन में जाऊंगा तभी मुझे मिलेगा, और बैग भी। तो फर्स्ट टाइम भाई ऐसा कुछ सीन हो रहा है मेरे साथ। चलो अलग अनुभव है, 5-star सर्विस मिल रही है भाई, बिना बोर्डिंग पास और बिना पासपोर्ट के फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। और भाई ये एयरलाइन का स्टाफ मेरे साथ आ रखा है ताकि मैं कहीं भाग ना जाऊँ। सकते पूरी फ्लाइट खाली है, सबसे पहले बोर्ड करने वाला आदमी मैं हूँ, और अब पीछे मेरे को सीट दे दी है। सबसे पहले भाई, सबसे पहले मेरे को बोर्डिंग करने दी। सही, चल भाई विंडो सीट दे दिए, बट देखा जाएगा तो वैसे एयरलाइन की ही गलती है। कुछ ही देर में भाई निकल लूँगा मैं, मेक्सिको वापस भेज रहे मेरे को, देखते हैं वहाँ पर इमिग्रेशन में क्या आता है, और वो सब प्रोसेस करने के बाद मैं आपको सीधा मिलूँगा बाद में। वो सब प्रोसेस क्लियर करने के बाद मैं आपको मिलूँगा, और डिस्कशन होगा मेरे इस सिचुएशन पर, इंडियन पासपोर्ट पर, रूल्स पर, रेगुलेशंस पर, बदलते सब कुछ चीज़ें, और इसमें गलती किसकी, फाइनल डिसीजन आपको लेना है। भाई पहुँच गए हैं मेक्सिको, प्लस हो गया यार मैं, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुई थी, इतनी ठंड थी, ठंड के मारे भाई पूरी बॉडी काँप रही थी। तो अब सब लोग उतरेंगे, मुझे कहा है कि सब के उतरने के बाद आपको स्टाफ आएगा और ले जाएगा, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो भाई एक हफ्ते बाद मैं वापस आ गया हूँ मेक्सिको सिटी एयरपोर्ट के बाहर। भाई जिस कंट्री ने मुझे एंट्री नहीं दी थी, डिटेन किया था भाई, एक दिन पूरा डिटेंशन रूम में बिठा कर रखा था, ठंडी में हालत ख़राब हो गई थी, और वापस मेक्सिको भेज दिया था, बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। उसी कंट्री में मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मुझ में है भाई बहुत बड़ी चुल। भाई जेन्युइन ट्रैवल हो रही यार, कोई दो नंबरी वगैरह तो नहीं जा रहा हूँ, तो क्यों भाई, क्या रिग्रेट, अपनी क्या गलती भाई, एयरलाइन की गलती थी। इस बारे में भी बात करेंगे कि भाई किसकी गलती थी। अब मैंने ऑनलाइन पढ़ा, इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री था, हर वेबसाइट पे दिखा रहा था। मैंने एक एयरलाइन वालों से भी कंफर्म किया कि सर मैं बोर्डिंग कर सकता हूँ क्या, इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री, आप प्लीज़ अपने सिस्टम में चेक कीजिएगा, मेरे पास रिटर्न टिकट भी है, मेरे पास बुकिंग भी है, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एंट्री के लिए एल साल्वाडोर में फॉर इंडियन पासपोर्ट, वो सब मेरे पास है। वो बोले आप बिंदास जाइए, मैं मुझे रिटर्न टिकट दिखाए, उन सब ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है इंडियन पासपोर्ट को, वीज़ा की रिटर्न टिकट होगा आपके पास, बुकिंग होगी तो आप एल साल्वाडोर जा सकते हैं। मगर वहाँ पर गया, एंट्री नहीं दी, वापस मेक्सिको भेज दिया। तो मैं एल साल्वाडोर के एम्बेसी गया, क्या प्रोसेस था मैं आपको अगले वाले वीडियो में बता दूंगा। मैंने वहाँ से वीज़ा लिया, और भाई अभी मैं वापस आ गया हूँ, और इस बार कैसे एंट्री नहीं देते देखता हूँ। तो चलो भाई अभी बोर्डिंग करता हूँ, फ्लाइट की सब डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। चलो भाई बोर्डिंग तो हो गई है, देखते हैं साल्वाडोर पहुँच कर क्या होता है इस बार। तो भाई अभी अभी जस्ट एल साल्वाडोर का इमिग्रेशन क्लियर किया, और कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछे भाई, मैं उधर से दूर से आ रहा था, और क्या कहते हैं, जिस इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे वापस भेजा था, मतलब रूल्स तो थे यार, अब इंडियंस के लिए भेजा तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, मगर जिन्होंने वापस रिटर्न मेरे को भेजा था, उन्होंने दूर से पहचान दिया, हाथ दिया मेरे को, अरे इधर आओ इधर आओ, और उन्होंने कहा तुम वापस आ गए। बोला हाँ सर इस बार हाँ वीज़ा लेकर आया हूँ मेक्सिको से। तो बोले एक काम करो आ जाओ भाई, मेरे को सीधा साइड में ले गए, बोले एक्सप्रेस भाई, बोला ये मेरा दोस्त है, यूट्यूबर है, और अभी इसके पास वीज़ा भी है। कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछे भाई, ना होटल बुकिंग, ना रिटर्न टिकट, कुछ भी नहीं पूछा। बोले कितने दिन है, बोला 30 दिन तो रहूँगा, मगर अगर ज़्यादा रुकने का मन किया तो और रुक लूँगा। तो बोले कोई बात नहीं, सीधा 180 दिन का स्टैम्प दे दिया, और इतना स्मूथ इमिग्रेशन हुआ भाई, एकदम ईजी, और बहुत अच्छे लोग थे वहाँ। अपने एक इंडियन भाई भी बैठे थे, पंजाब थे शायद, मैंने देखा उनको हाथ किया, बोला समझ गया, पता नहीं अब उनका क्या सीन है, बट चलो गाइस वेलकम टू साल्वाडोर। तो भाई अभी मैं टैक्सी लेके जा रहा हूँ सान साल्वाडोर के सिटी सेंटर पर, जहाँ पर मेरा हॉस्टल है। यहाँ से भाई 40 किलोमीटर दूर है यार, बहुत दूर है एयरपोर्ट,
तो मेरे को लगा नहीं था इतना दूर होगा, बट चलो ठीक है। और टैक्सी वाले भाई यहाँ पर मेरे से मांग रहे थे $80 भाई, $80 मतलब लगभग इंडिया के 7,000-7,500 रुपये होते हैं। तो मैंने इधर का ही एक लोकल ऐप था, इन ड्राइव करके ऐप था कैब का, तो उससे भाई मैंने कैब मंगा लिया और $18 मतलब लगभग भाई 1500 रुपये। ठीक है यार, 40-45 किलोमीटर और थोड़ा ऑफ रोड है तो ठीक ठाक रेट है भाई, अच्छा रेट दिया। और अभी मैं फिर अपने हॉस्टल जाऊंगा भाई फाइनली, मतलब एक हफ्ता लंबा व्लॉग था भाई। पहले आया पहले तो भाई पेरू जाने का प्लान था, उधर बोर्डिंग नहीं करनी थी, फिर उसके बाद एल सालवाडोर में बोर्डिंग करनी थी, मगर एवियन का एयरलाइन फ्लाइट्स वालों की स्टाफ की गलती के वजह से मेरे को वापस क्या बोलते हैं डिटेन करके वापस भेज दिया मेक्सिको, और फिर वापस भाई वीज़ा लेके इधर आया। बट चलो ठीक है। और भाई ये लेडी ड्राइवर है यहाँ पर, तू नाम रे अमीगा जेसिका, ग्रासियस, मुचस ग्रासियस। तो चलो भाई, अंत भला तो सब भला, हैप्पी एंडिंग हो गई भाई। तो गाइज इसी के साथ वीडियो भी एंड करता हूँ, एल सालवाडोर की सीरीज़ अभी चालू हो गई। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अब आई टेक एन स्टे सेफ, ट्रैवल सम टाइम, साइनिंग आउट।